थोड़ा सा बस इसको मैं सेट कर लूँ, इसके बाद हम लोग तो सबसे पहले सभी को खमागनी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा टाइटल में, जो मेरा टॉपिक क्या रहेगा आज का, बहुत ही काम का टॉपिक है। तो नॉर्मली जैसे कि जिनकी शादियां होने वाली हैं और उनके लिए तो बहुत यूज़फुल और बहुत हेल्पफुल है ये टॉपिक। तो मैंने क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जो कि नई नई दुल्हन बनने वाली जो लड़कियां हैं, जो न्यू ब्राइडल होने वाली हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। तो जो मैंने लिस्ट बनाई है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली है। तो इससे पहले भी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में एक वीडियो तैयार किया था, वो था कि राजपूती तरीके से ओढ़नी कैसे ओढ़ी जाती है। तो उसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। सो आज का जो ये वीडियो है ये भी आई होप कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे, हेल्पफुल रहे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक में जो मैंने आपको बताया यही है कि जो असेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या एक न्यू ब्राइडल को अपने पर्स में लेकर जाना चाहिए। और क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सोचने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है इसके लिए। तो चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मेरा टॉपिक है कि जो न्यू ब्राइडल है, जब आप पहली बार अपने पीहर से ससुराल जाएंगे तो आपको अपने पर्स में क्या प्रोडक्ट्स लेकर जाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, अगर हम लोग पर्स की बात कर रहे हैं तो मेरा जो टॉपिक पर्स को लेकर है, तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो खुद एक पर्स है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने पर्स लिया है या फिर आप जो पर्स लेने वाले हैं, ध्यान रखिए वो कोई लोकल पर्स नहीं हो, क्योंकि एक न्यू ब्राइडल का पर्स सबके मतलब बीच में जाना, वो पर्स आपका दिखता है कि आपकी थोड़ा वो उसको शो करता है कि आपका पर्स बहुत अच्छी ब्रांड का है या फिर आप ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को वो शो करता है। तो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बीच में एंट्री लेते हैं, उस वक्त आपको गाड़ी से बहुत लोग मिलके मतलब आपका स्वागत करते हैं, तो उस पर्स पे बहुत लोगों की नज़र भी जाती है कि वाओ कितना सुंदर है। क्योंकि ये लेडीज़ के जो ये टॉपिक है ये बहुत आम टॉपिक हैं, तो प्लीज़ ये चीज़, मेरा मानना ये है कि आप इस चीज़ को लोकल बिल्कुल भी ना लें, बहुत अच्छी ब्रांड का पर्स लें, बहुत अच्छे से। मेरा मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली अच्छा हो। और दूसरी बात ये, जब आप न्यू ब्राइडल के तौर पर कोई पर्स ले रही हैं तो बस इतना समझिए कि उसके अंदर स्पेस अच्छा हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो कि बिल्कुल बैग जैसा शो हो रहा हो, नॉर्मल उसकी मीडियम साइज़ हो। बस उसमें ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर बहुत थोड़ा सा पॉकेट्स वगैरह डिवाइडेड होनी चाहिए, कि जिससे भी जब आप किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो आपको इजीली मिल सके। ऐसा नहीं कि आप बहुत लोगों के बीच में उसमें हाथ डाल के ढूंढ रहे हैं कि अगर आपको एकदम से किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसमें ऐसे 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 बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो। तो पर्स की मीडियम साइज़ हो और उसमें बहुत सारी पॉकेट्स डिवाइडेड हो, चेन्स हो अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये तो थी हमारी पर्स की बात, कि पर्स अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत लोगों के बीच में जाना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप पर्स अकेले कहीं जा रहे हैं, या आपकी शादी की बात है, आपको बहुत नए घर में एंट्री करनी है, वहाँ बहुत लोगों के बीच में आपकी एंट्री होने वाली है बहुत खुशी से, तो इसके लिए आप उसके बाद जो सेकंड चीज़ वो मैंने है पर्स में सबसे पहले जो आपको डालनी चाहिए वो है आपका फ़ोन और आपका चार्जर। ये चीज़ ऐसी है कि आपके मतलब जब आप वहाँ जाएंगे तो एकदम से आपको ढूंढना नहीं पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको बाहर किसी को कॉल करना हो या कुछ चीज़ के लिए, तो एक फ़ोन होना तो बहुत ज़रूरी है आपके पास। आपका जो पर्सनल फ़ोन है और जो फ़ोन का चार्जर है वो आपको अपने पर्स में डाल लेना चाहिए, ठीक है। सो मेरी लिस्ट की पहली चीज़ तो थी खुद पर्स कैसा होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर हमें सबसे पहले फ़ोन और चार्जर डाल लेना चाहिए। और कुछ लोग मेरी बात सुन के सोच रहे होंगे कि अभी तो नई नई शादी हुई है, ससुराल में भी ये फ़ोन की सलाह दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। फ़ोन सिर्फ देखने के काम नहीं आता, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है तब सबसे पहले फ़ोन ही याद आता है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैंने लिस्ट में लिखी है वो है, अगर आपकी शादी गर्मियों में होने वाली है या फिर गर्मियों में नहीं भी हो, तो कोई भी हैंकी जो रुमाल होता है या फिर टिशू होता है ये आप अपने पर्स में ज़रूर डालना,
क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। क्योंकि आपको अगर रास्ते में, मान लीजिए सपोज आपको एक छींक भी आती है, तो मेरा मानना तो यही है कि रुमाल होना बहुत जरूरी है। और गर्मियों में शादी है तो सफोकेशन, पसीने, ये सब बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो रुमाल आपको पर्स में रखना चाहिए। और एक नहीं, हमेशा दो रुमाल रखना, क्योंकि जैसे एक अगर आप हाथ में भी लेके जाते हैं, मान लीजिए अगर आप उस वक्त गाड़ी से उतर रहे हैं, आपके नए घर में एंट्री हो रही है, तो गाड़ी में मान लीजिए भूल गए आप रुमाल को गाड़ी में ही, तो एटलीस्ट एक पर्स में तो एक रुमाल होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब आप न्यू ब्राइडल बन के जा रही हैं तो दो रुमाल आपके पास होने चाहिए, एक आपके पर्स में और एक आपके हाथ में। ओके, और जो मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि दुल्हन के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत टचअप का सामान रख लेना चाहिए, जिसमें कि कॉम्पैक्ट है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो ये सब सामान आपको अपने पर्स में डाल लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप लार्ज साइज़ में ही रखें, ये सब चीज़ें आजकल छोटी साइज़ में भी अवेलेबल हैं, सब मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इन सब चीज़ों को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में इनमें ले सकती हैं। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लिस्ट में लिखी है वो लिखी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं खुद अपनी शादी में भूल गई थी, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हमेशा ध्यान रखिए जब आपकी नई नई शादी होती है तो बहुत ज़्यादा ये हैवी ज्वेलरी आपको पहनाई जाती है, या फिर अपन जो पहनते हैं बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग ससुराल में एंट्री करते हैं, सब हो जाता है पूरा, जो जितने भी रीति रिवाज सब कुछ जब हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए जो मिलता है उसमें अपनी इच्छा होती है कि थोड़ी देर ये ज्वेलरी खोल दें, मतलब बहुत अजीब सा लगने लग जाता है कि इतने हैवी पहनने की लड़कियों को आदत नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलता है तो ऐसा मन करता है कि कुछ छोटा मोटा कुछ कानों में पहन लें, इतने हैवी थोड़ी देर के लिए खोल के रख दें। तो इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप, जब आपकी बारी आए कि जब आप पीहर से ससुराल जा रही हैं विदा होते टाइम, तो अपने पर्स में एक छोटी सी डब्बी में, ध्यान से सुन लीजिए, छोटी सी डब्बी में आपके जो छोटे वाले इयररिंग्स हैं जो आपको चेंज करके पहनने हैं वो आप अपने पर्स में रख लीजिए, और जो आपका नोज़पिन है जो चेंज करके पहनना है, ये चीज़ ऐसी है कि आपको बहुत जल्दी वहाँ जाते याद आएगी ये मिस्टेक मुझसे हुई थी, मेरा जो ये सामान था वो मैंने बैग में रख दिया था। अब थोड़ा मतलब ये होता है कि राजपूती जो रिचुअल्स होते हैं इनमें है कि सब पहले सबको दिखाया जाता है कि दिखावे में सब कुछ रखा जाता है, तो मेरा उसी में ही रह गया था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इतने हैवी पहनने की आदत नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा काश मैंने अपने पर्स में रख लिए होते तो मुझे चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए कि आपको ये चीज़ अपने पर्स में ही रखनी चाहिए, जब भी आपको थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिले तो चेंज करके आप छोटे वाले पहन लें, क्योंकि नई नई दुल्हन होती है, कुछ टाइम तक आपको बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि आप कुछ भी नहीं पहन के रखें, हमेशा कुछ ना कुछ नाक कान में आपको पहनना ही है। तो बाकी अब अकॉर्डिंग टू थोड़ा मॉडल ज़माना है तो अब वो आपकी इच्छा है, बाकी ज़्यादातर यही होता है कि हमेशा पहनना चाहिए, तो इसलिए आपको एक छोटी सी डब्बी बनानी होगी, उसके अंदर आपके जो डेली वाले नॉर्मल स्मॉल साइज जो इयररिंग होते हैं वो आपको उसमें रख लेने चाहिए। ओके, सो लिस्ट में एक चीज़ ये थी। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट चीज़ पे। मैंने नेक्स्ट आइटम लिखा है, कोई भी एक छोटा मोटा इतना सा पैकेट माउथ फ्रेशनर का रख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। मान लीजिए आपकी शादी किसी दूसरी सिटी में हुई है, आपको थोड़ा आपका रास्ता लंबा है, बहुत देर तक आपने कुछ खाया नहीं है, या फिर कभी कभी स्मेल आने लग जाती है, तो इसलिए हमेशा छोटा मोटा माउथ फ्रेशनर रखना चाहिए, जिससे कि आपने पर्स में, मान लीजिए आपकी मुंह दिखाई हो रही है, बहुत देर से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है कि मुंह में कुछ होना चाहिए, तो एक माउथ फ्रेशनर रख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्रेश फील होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप एंट्री लेते हैं नए घर में तो आपका फर्स्ट टाइम होता है, घूंघट वगैरह सब आपको लेना होता है, मैं राजपूती ब्राइडल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप एक घूंघट के साथ एंट्री करते हो, बहुत लोग आपके साथ होते हैं, आपको गाड़ी से उतारते हैं, आपके साथ पूरा मतलब फूल वूल बरसाते हैं, सब काम करते हैं कि हमारे घर पर नई दुल्हन आई है, तो आपको क्या है, बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं, कुछ दस्तूर ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको पैसे डालने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए
कोई आपने पगे लगाई करी है, कुछ भी ऐसा किया, रिद्धि सा की आवाज़ आ रही है, वो मम्मी को याद कर रही है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब मैंने आपसे कहा कि आपको पर्स ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसमें कि बहुत सारी जिप हो, बहुत सारा स्पेस, थोड़ा थोड़ा अलग अलग चेन हो, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 100-100 के नोट है कुछ वो अलग रख लिए, कुछ 500 के अलग रखे, कुछ 10 के अलग रखे, क्योंकि अलग अलग दस्तूर में कभी पगे लगाई में, कभी किसी चीज़ में, कभी कलश में डालने होते हैं, तो क्या अलग अलग काम में जो अलग अलग ये पैसे देने होते हैं, तो हमें क्या बहुत लोगों के बीच में ऐसे ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ऑकवर्ड सा लगता है कि अब ऐसा भी नहीं है कि इस माहौल में आप कहीं से खुले कराओगे, तो ये चीज़ आपकी सोचने वाली बात है कि जब आप इस तरीके से जाएंगे दुल्हन बन के, तो आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में अलग अलग पैसे रखने होंगे, 500 अलग रखने होंगे, 500-500 के नोट अलग, 100 के अलग, 10 के अलग। तो इस चीज़ के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैसे आपको इस तरीके से रखने हैं कि मान लीजिए अगर कहीं आपको 1100 रखने हैं तो फटाफट से आपने आराम से निकाल लिए, कहीं आपको 101 रखने हैं तो आपने इजीली निकाल लिए। तो हमेशा पैसे को इस तरीके से डिवाइड करके पर्स में लेकर जाना, ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ लिखी है वो है कि ध्यान रखिए जब आपकी नई, जब आप जाएंगे तो आपके साथ में एक ऑब्वियस ही बात है कि आपकी ड्रेसेस वगैरह जाएंगी। अब ड्रेसेस किस में जाएंगी, या तो ट्रॉली बैग होगा या सूटकेस होगा या जो भी होगा, जो भी आपने रेडी किया है उसमें जाएंगी। तो अब आपके साथ ऐसा तो है नहीं कि पीहर से और भी कोई जा रहा हो, ऑब्वियस ही बात है दुल्हन अकेली जाती है अपने पीहर से, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो भी आपका बैग वगैरह कुछ भी होता है उसकी जो चाबी या जो कुछ भी आपका सामान है उसकी जो चाबी है वो आप अपने पर्स में डाल लीजिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब राजपूती ब्राइडल की एंट्री होती है तो उसके सामान का पूरा दिखावा किया जाता है ससुराल में कि कैसी ड्रेसेस हैं, क्या हैं, ये सब वहाँ पे पूरा अच्छे से दिखाया जाता है ससुराल में। तो जैसे जब भी मान लीजिए अगर आप एकदम से एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे आपसे कोई आके पूछे कि बिन्नी इसकी चाबी आपको पता है कि आपके बैग की, आपके सूटकेस की चाबी कहाँ होगी, तो आप फटाफट से इजीली उसे निकाल कर दे सकें। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि ये जो चीज़ें हैं जिसमें आपकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि देखिए एंट्री करते ही बहुत अच्छी बात है कि अपन अपनी सारी चाबियाँ खुद, मतलब ये होता है कि हाँ मम्मी जी, मतलब मम्मियों का ये चाबी है, ये इस सूटकेस की है, ये तो इतने जनों के सामने हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टाइम एंट्री का होता है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आता है पूछता है कि बिन्नी इस टाइम दिखावा होगा आपकी वो सूटकेस की चाबी वगैरह, तो 2 मिनट में हमने निकाली और फटाक से दे दी, तो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी या फिर आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि वो तो मैंने वहाँ रखी थी, वो तो मैंने यहाँ रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। आपको एक उसमें चाबी डाल लेनी चाहिए, ओके, जो भी आपके सूटकेस वगैरह या फिर पहली बारी में जो आप ड्रेसेस किस में लेकर आए हैं उन सब सामानों की। अब मैं आती हूँ अपनी लिस्ट के नेक्स्ट चीज़ पे। इसके बाद है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, क्या पता आपको ज़रूरत पड़े नहीं पड़े, मगर हमेशा आपके पर्स में रखनी चाहिए। अगर आप न्यू ब्राइडल नहीं भी हैं, आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो भी ये चीज़ ऐसी है कि रखते हैं सभी लोग, तो इसमें सबसे पहले आता है एक छोटा सा कॉम, एक सिंदूर, लिपस्टिक और एक बिंदी का पैकेट। ये चीज़ ऐसी है कि जैसे आप रुमाल यूज़ कर रहे हैं तो आपके थोड़े पसीने भी आ गए हैं, हो सकता है गर्मी के टाइम में आपकी शादी हो, धूप वगैरह का थोड़ा हो, जब आप घर में एंट्री ले रहे हैं थोड़ी धूप वूप आ रही है, आपने रुमाल का यूज़ किया तो हो सकता है आपकी बिंदी गिर जाए या फिर कुछ ऐसा हो तो सिंदूर फैल जाए। तो आपको हमेशा एक सिंदूर और एक बिंदी का पैकेट हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, फटाफट से बिंदी लगाई और सिंदूर सही करके हमने लगा लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने पर्स में आप रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को आपको बहुत बड़ा बड़ा रखना है। आजकल मार्केट में या ऑनलाइन हर चीज़ जो है वो छोटी अवेलेबल है, छोटी लिपस्टिक मिल जाएगी आपको, इतना सा सिंदूर भी मिलेगा, छोटे छोटे बिंदी के पैकेट भी आते हैं, क्योंकि वो आपका पर्स है, वो पूरा बैग नहीं है, उसको पर्स की तरह ही उसके अंदर आपको सामान रखने हैं। और इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगी कि मैं आपको, मैंने जो भी लिस्ट बनाई है इन असेंशियल प्रोडक्ट्स की, इनका मैं आपको उसके अंदर वो सारा लिख के दे सकूं पूरी लिस्ट को। थोड़ी सा आज मेरे गले में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे सकूं, ये सारा जो लिस्ट में मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं उन सबका मैं पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद जो मैंने लास्ट में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजपूती ब्राइडल के लिए, या फिर अगर आप अदर कास्ट भी हैं तो भी बहुत ज़रूरी है,
कि जिसमें मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे इयररिंग्स आप डालते हैं उसी तरीके से आपको छोटी छोटी जो टिक टैक पिंस आती हैं वो डाल लेनी चाहिए। और ये जो यूज़ करते हैं जो ओढ़नी में लगाने की जो पिन होती है कुछ एक्स्ट्रा रख लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए लगाते टाइम कुछ ढीली हो जाए या कहीं गिर जाए अटक के वो पिन, तो हमेशा ऐसी जो नॉर्मल जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये हमेशा एक्स्ट्रा अपने पर्स में रखनी चाहिए। और क्लिप हो गई, जैसे अगर आपकी मान लीजिए रखड़ी ढीली हो गई है गाड़ी के अंदर, अब आप इतने लोगों के सामने रखड़ी नहीं बांध सकते हैं क्योंकि वो आपका फर्स्ट टाइम है, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप इस समस्या में फंस गए कि मेरी रखड़ी भी ढीली हो गई, मैं यहाँ किससे बोलूँ, यहाँ मेरे लिए सब नए हैं, मैं कैसे सही करूँ, ओढ़नी ऊपर हो जाएगी अगर मैं सही करूँगी तो ये सब जो चीज़ें होती है इनमें सबसे ईजी रहती है जो टिक टैक पिंस आती हैं, क्लिप जो आती है उनको आप एक रखड़ी में यहाँ अटैच कर सकती हैं और थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ अटैच कर सकती है। इससे तो ना आपके बाल आगे आएंगे ना वो रखड़ी आपको डिस्टर्ब करेगी, और इतने लोगों के बीच में सबसे सही चीज़ है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, हो सकता है मैं इनमें से कुछ चीज़ भूल गई हूँ या फिर कुछ चीज़ें आपको पता हो तो आप लोग अपनी इच्छा से ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जो मैंने बताया वो सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर दूंगी, और बाकी हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये लाइव वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि आपकी फैमिली में किसी में मतलब फैमिली के रिलेशन में कहीं किसी की फ्रेंड की किसी की शादी हो तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, ये हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस करने से मेरे जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तब तक के लिए खमा गनीसा।